बिट बिलिंग से उड़ान भरने के बाद वापस लैंड करने पर फ्रांस के एक पायलट की खोज में पुलिस तथा प्रशासन जुट गया है। पुलिस के अनुसार पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन वीट के रन विजे ने थाना बैजनाथ में सूचना दर्ज करवाई है कि विदेशी पायलट फ्रांस निवासी जोस लाइन्स वर्नॉक ने विलिंग से उड़ान भरने के बाद वापस लैंडिंग नहीं की है। डीएसपी प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस दल ढूंढने के लिए रवाना हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस बाबत एमबीसी तथा उनके माता पिता को सूचित कर दिया गया है। एसडीएम बैजनाथ विकास शुक्ला ने बताया कि जोश को ढूंढने के लिए 50 फ्लायर्स ने उड़ान भरी थी, जिन्होंने उसे ढूंढने के लिए धौलाधार की पहाड़ियों का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अंत में उसकी लोकेशन पालमपुर के पीछे की पहाड़ियों में कहीं फंसे होने की मिली है। उन्होंने बताया कि इस बाबत उत्तराखंड से हेलीकॉप्टर मंगवाया गया है। हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही उसे तुरंत ढूंढने का प्रयास किया जाएगा और उसे निकाला जाएगा। फ्रांस के पायलट की खोज के लिए हेलीकॉप्टर को भी भेज दिया गया है। इसके रेस्क्यू टीम में राहुल सिंह के नेतृत्व में दो स्पेन के पायलट सहित 4 लोग भेजे गए हैं। लुइस नाम का ये व्यक्ति जो है स्पेनिश नेशनल है और ये लापता हो गया कहीं जो बिग फेस माउंटेन है लास्ट में जाके पालमपुर के ऊपर, वहां पे ये लापता हो गया। तो हमने पहले 50 फ्लायर्स की एक टीम भेजी थी जो लोकेट करने के लिए, उनको पता नहीं चला। तो देर आफ्टर एक फ्री फ्लायर ने हमको उसके कोऑर्डिनेट्स दिए और इनकी इंश्योरेंस और एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करके हमने हेलीकॉप्टर मंगवाया। हमने पूरा रेकी किया, हमारी जो राहुल सिंह हेडेड टीम थी 4 लोगों की, उसने पूरी रेकी की बिग फेस की तरफ से भी और बैक ऑफ द माउंटेन भी, पर हमारे को आज सफलता नहीं मिली। फ्यूल भी कम था उसमें, तो अब कल सुबह मॉर्निंग में जैसे सन निकलेगा सूरज, उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसको।